Hi everyone, welcome to Genius Professor. This is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So बच्चों आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है. तो देखिए जैसे कि मैंने पहले डिलीटेड सिलेबस का वीडियो बनाया था केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो ये वीडियो है फिजिक्स के रिगार्डिंग. ऑलराइट, फिजिक्स सबको हार्ड लगती है, तो इसमें से क्यों ना जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं उनको सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं. तो वीडियो को ना पूरा देखो, आधा छोड़ के मत जाओ. ऐसा नहीं कि तीन चैप्टर मार्क कर लिया सर, दो चैप्टर मार्क कर लिया, बाद का बाद में करेंगे. नहीं बेटा, स्टार्ट किया तो पूरा देखो. जितने चैप्टर्स में जो जो मार्क करवा रहा हूँ वो सारे के सारे मार्क करते हुए चलो. एक्सरसाइज भी आपको मैं मार्क करा के दूंगा, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स से, ठीक है. तो फिजिक्स स्टैंडर्ड 12th यानी कि क्लास 12th की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें क्या क्या रिड्यूस है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग पेंसिल ले लीजिए एक, ओके, एंड आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको सामने रख लो सबसे पहले, ठीक है. और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्क करना. पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है. एक चीज में आपको मैं मार्क करा के देने वाला हूँ, ऑलराइट. बाकी सब बढ़िया चल रहा है ना. मैं अगर आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो आप लोग भी टाइम निकालिए, ठीक है, अपनी स्टडीज के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला देखिए फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स. ऑलराइट, बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मैं आपको फिजिक्स का मार्क करा के दे रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है ईच एंड एवरी टॉपिक्स को देखना, फिर कट करना, फिर उसके एक्सरसाइज को देखना. ऑलराइट, आई होप आप समझ सकते हो. तो चलिए देखते हैं. पेज नंबर 1 पे कुछ भी रिलेटेड नहीं है, 2 पे भी कुछ नहीं है, ठीक है, 3 पे भी नहीं है. ऑलराइट, नीचे 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 आते जाइए, ओके. देखो आपको डायरेक्टली कहां पर आ जाना मैं आपको बताता हूँ. नीचे नीचे 8 पे भी कुछ नहीं, 9 पे भी नहीं, 10 पे भी नहीं, 11. ऑलराइट बेटा, पेज नंबर 11 ओपन करिए. 11 ओपन किया सबने. पेज नंबर 11 पे देखिए कौन सा टॉपिक मैं कट करने को बोल रहा हूँ वो पहले देखो. ये आपको दिख रहा है टॉपिक स्पीयर ऑफ डेप्थ, ठीक है, दिख रहा है आपको ये 1.4.2. कौन सा वाला टॉपिक बेटा? ये वाला 1.4.2, ये आपको कट करना है. ऑलराइट, फिर ये आपको कट करते हुए ऐसे से आ जाना है नीचे. यहाँ पर आपको दिखेगा 1.4.3 व्हीकल एट द टॉप ऑफ ए कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज. ये वाला जो इसमें व्हीकल है ना, ये इस ब्रिज के टॉप पे, ये वाला टॉपिक आपको कट करना है बेटा, ठीक है. इतना क्लियर है? कोई समस्या है? बोलिए नहीं है, ठीक है. आगे चलें. ये यहां तक आपको कट करना है, कहां तक? ये इक्वेशन तक, ठीक है बच्चा, पेज नंबर 11 पे. फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हम लोग. देखिए थोड़ा सा एफर्ट लगाइए. चलिए नीचे 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 आपको आ जाना है. पेज नंबर डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, नीचे नीचे आइए, ठीक है. मतलब आप पेज टर्न करते हुए चाहिए. 16 पे भी कुछ नहीं, 17 पे भी नहीं है, मेरे साथ टर्न करते रहिए. पेज नंबर आइए 19 पे बेटा, रोलिंग मोशन दिख रहा है आपको टॉपिक 1.11, ये टॉपिक आपको कट करना है बेटा. ऑलराइट, सबको समझ में आ गया कौन सा टॉपिक अभिषेक सर ने बोला है? रोलिंग मोशन वाला, ठीक है बेटा. ये पूरा का पूरा आपको अकॉर्डिंग से लिखो. ये देखो ये पूरा का पूरा ऐसे से कट करते हुए चलना है नीचे तक ऐसे से कट करना है. फिर यहाँ पर एक न्यू टॉपिक है 1.111 लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड व्हाइल रोलिंग डाउन, ये वाला आपको कट करना है, ठीक है. अच्छा, डायग्राम भी कट करना है. और पेज नंबर देखिए ध्यान से, पेज नंबर 20, ठीक है. 20 पे ये जितना भी सब कुछ लिखा है ना, ये देखिए ध्यान से, एस द ऑब्जेक्ट, ये भी, ये क्वेश्चन भी, ये सब, ठीक है. रिमार्क्स भी कट करना है. ऑलराइट, क्लियर हो गया यहां तक? ऑलराइट, 40% लिखा सबको, बरोबर मार्क किया, मेरे साथ मार्क करते हुए चलिए आप, ठीक है. चलिए बीच बीच में हम लोग कुछ बातें भी करते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का, अपने को पढ़ के निकलना है, ठीक है. चलो आगे आ जाते हैं. अब ये कहां पर आ गए बच्चे हम लोग? एक्सरसाइज पे, ठीक है. नीचे चलते हैं एक्सरसाइज में. देखो यहाँ पर पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, 24 ओपन करिए तुम्ही. आता पेज नंबर 24 मध्ये यो दावा एमसीक्यू, कुठला दावा, ठीक है, ये आपको कट करना है, ठीक है, किया आपने. चलिए आगे चलते. फिर आंसर इन ब्रीफ के अंदर 5th क्वेश्चन आपको कट करना है. फिर उसके बाद नेक्स्ट यू हैव टू कट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट, राइट? यू हैव टू कट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, बोथ ऑफ दीज टू क्वेश्चंस, ठीक है. अब आगे चलते हैं हम लोग. देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर आपको 18 कट करना है. पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन भी कट करते हो चलिए. 18 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक में कट कराया गया, ओके बच्चा. 18 यहां तक ये देख लो, ये यहां तक कट कर देना है आपको. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कट करना है आपको. आप खुद से सोचिए ना, बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, बट मैं जीनियस प्रोफेसर, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू बी अ जीनियस. बच्चों आप लोग भी जीनियस बनिए, ठीक है.
अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे चल रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैंने आपको 5 मिनट के अंदर चैप्टर नंबर 1 मार्क करा दिया है, अब मैं आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मार्क कराने वाला हूँ। ठीक है, आराम आराम से वीडियो को पॉज करो, देखो कौन कौन सा क्वेश्चन कट करा है, एक एक क्वेश्चन को देखो अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो आगे चलते चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको आ जाना है पेज नंबर 27 पे। प्रेशर दिख रहा है आपको? ठीक है, नहीं दिख रहा है? कभी ट्रेन में जाना, ट्रेन में अगर ट्रैवल करते तो आपको वहां पे प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे को जाना, संडे को नहीं, तब आपको प्रेशर पता चलेगा क्या होता है, वो भी सेकंड क्लास में। बाबा हालत खराब हो जाती है। देखो ये प्रेशर वाला टॉपिक आपको कट करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया पेज नंबर मैंने कौन सा बताया? 27 पे। ऑलराइट, फिर इसके बाद बच्चा आप लोग आ जाइए पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 आपको पूरा का पूरा कट कर देना है। ठीक है बच्चा, पेज नंबर 28 पूरा कट करना है आपको। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम्स भी कट कर देना है, और फिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी आपको कट करना है टॉपिक। ऑलराइट, फिर इसके बाद पेज नंबर देखिए, ध्यान से देखिए, 29 भी कट किया गया है। मजा आ रहा है, देखिए आ रहा रहेगा राइट। पेज नंबर 29 कट किया है, फिर उसके बाद पेज नंबर 30 भी पूरा कट किया बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद पेज नंबर 31 भी पूरा कट किया। ओहो क्या बात है। फिर इसके बाद बच्चा पेज नंबर 32 भी पूरा कट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब रुको जरा, सबर करो। ठीक है बच्चा, देखो इधर, अब पेज नंबर 32 आपने कट कर लिया, कर लिया ना। पेज नंबर 33 पे देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, पेज नंबर 33 पे ये कट करना है। ऑलराइट बेटा, फिर उसके बाद देखो क्या कट करना है, ये कट किया आपने। फिर उसके बाद ओपन ट्यूब मोनोमीटर, ठीक है, ये आपको कट करना है, किया आपने कट। फिर उसके बाद यहां तक कट करते हुए चलना है। कैन यू रिकॉल, सबको समझा कहां तक कट करना है बच्चा? यहां तक। ओके, सरफेस टेंशन वाला टॉपिक है आपके पास, समझ में आ गया आपको? बहुत इजी है। चलिए, सरफेस टेंशन टॉपिक बहुत इजी था। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको पढ़ते हुए चलना है। सरफेस टेंशन है मैंने कहा है, ओके ध्यान से सुनिएगा, कान में कॉर्ड वॉर्ड यूज कर लो ना, ऐसे गाना वाना सुनते समय कैसे कॉर्ड लगाते हो, वैसे कॉर्ड लगा करके कोने में बैठ जाओ और किसी को बोल दो 1 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, 1 घंटे तक जितना भी क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ सबका सब, टॉपिक वॉपिक जो भी, सबका सब जो भी टॉपिक वॉपिक मार्क करा रहा हूँ वो सब। ठीक है, देखो मेरा नोटिफिकेशन बज गया कोई डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर 39 पे भी कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, 40 पे भी कुछ नहीं है, 41 पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, 42 पे भी नहीं, आपको नीचे नीचे आते हुए चलना है, आते हुए चलना है। ऑलराइट, 45 पे भी नहीं, 46 पे भी नहीं, 47 पे भी नहीं, नीचे नीचे नीचे। 48, पेज नंबर 48 ओपन करिए, किया सबने? पेज नंबर 48 पेज टर्न करो ना बच्चा, करो। ओके वेरी गुड, 2.1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक है, ये वाला मार्क करिए, इसको कट करिए, किया आपने कट, वेरी गुड। फिर इसके बाद देखिए नीचे आ जाइए पेज नंबर 49 पे। देखो आपको मैं क्या कट करने को बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यहाँ तक, और ये इक्वेशन 2.40 इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पूरा कटे, समझाओ ये भी कटे। ठीक है, ये कैसा, ये तो मेरे को वो लग रहा है भोपू आता था ना ऐसे गाना, अरे भोपू नहीं आता था क्या, जैसे युद्ध होता है तो देखो ना बजाते ऐसे करके करके करता है, ये मेरे को तो वो लग रहा है अच्छा कट करा दिया इसको, चलो आगे चलते। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 पे देखो बच्चा आपको क्या क्या कट करना है, देखो डू यू नो के नीचे यहां से बर्नौलीस इक्वेशन, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बढ़िया इक्वेशन था। ठीक है, इसको कट करा दिया इन्होंने, बहुत हार्ड भी था, ऐसा नहीं है, वो गाना सुना ना बहुत हार्ड, वैसे ये भी हार्ड था। ये वाला भी आपको पूरा का पूरा कट करना है। ऑलराइट बच्चा, इसके बाद ये भी आपको ऐसे से पूरा का पूरा पेज ही उड़ा देना है एक तरीके से, समझ में आ गया आपको 50 वाला। ठीक है, आगे चले, उसके बाद देखिए नीचे पेज नंबर 51 ये भी कट करना है आपको, 51 वो शगुन में देते हैं ना 51। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा क्या करना है, 51 कट कर देना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना, आगे चले, लाइक तो कर दो, वीडियो देख रहे हो यहाँ तक लाइक तो कर दो, एटलीस्ट मेहनत लग रही है बेटा। 52 भी आपको कट करना है। ठीक है, पेज नंबर पूरा का पूरा। उसके बाद देखिए ध्यान से 53 भी आपको पूरा का पूरा कट करना है, पूरा मतलब पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अब एक्सरसाइज बताता हूँ मैं आपको, क्या बताने आ रहा हूँ एक्सरसाइज। बच्चा सुन ले ध्यान से बच्चा, अपने ना सपने बड़े हैं, सपने अपने क्या है, बड़े हैं, तो संघर्ष भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलो एक्सरसाइज मार्क करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट एमसीक्यू आपको कट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाओ, यहाँ पर 5th बर्नौलीस वाला एमसीक्यू भी आपको कट करना है। फिर उसके बाद ऊपर आ जाओ, आंसर इन ब्रीफ के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 कट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन, 5th वाला क्वेश्चन कट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना। फिर यहाँ पर देखो पेज नंबर 55 पे 10th वाला क्वेश्चन, 11th वाला क्वेश्चन कट करना है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? बोल दो नहीं है। फिर 15 क्वेश्चन कट करना है, 16 कट करना है।
17 कट करना है। ओके बेटा, कितना कट कर लिया, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर नंबर 3, ठीक है, इसको बोलते हैं KTG, वो भाई का था ना KTM, किसी किसी का फेवरेट रहेगा, पर ये क्या है अपना KTG है, यानी कि क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ऑलराइट, इसके ऊपर पेज नंबर 56 पे बिहेवियर ऑफ गैसेस आपको कट करना है, ये समझा आपको, ये वाला टॉपिक क्या करना है बच्चा आपको, कट करना है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर मैंने दो चैप्टर मार्क करा के दिए, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पेज नंबर 57, ध्यान से देखिए पेज नंबर 57 पे सब कुछ कट है। ठीक है, पेज नंबर 57 दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो यही है। ठीक है, मीन फ्री पाथ ये पूरा का पूरा आपको कट करना है। ऑलराइट, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते बच्चा, देखो नीचे नीचे चलते हुए आना है। ठीक है, फिर पेज नंबर 61 पे, पेज नंबर 61 पे देखिए, पेज नंबर 61 पे लॉ ऑफ ये दिख रहा है आपको एनर्जी वाला, ये आपको पूरा का पूरा कट करना है। दिखा 3.8 की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चा, 3.8 की। ऑलराइट, ये आपने कट किया पेंसिल से कट करते हुए, चलिए ठीक है। फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ये आपको कट करना है 3.8.1, ओके 61 पे दिख रहा रहेगा आपको। राइट, ध्यान से देखिए, आराम आराम से वीडियो को पॉज करिए, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, सो दैट जल्दी जल्दी कम समय में आपका सारा का सारा टॉपिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स 3.8.2 ये आपको कट करना है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी कट करना है। यहां से किसी ने तीर चलाया, यहां से किसी ने तीर चलाया, यहां से किसी तीर चलाया, यही है ये। ठीक है, कट करा दिया, चलो कोई नहीं, और हम कैसा तीर चला देंगे ऐसे। ठीक है, चलो आगे चलते, पेज नंबर 62 पे, 62 पे देखो आपको क्या क्या कट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, ये यहां से ऐसे से कट करते हुए चलना है, कौन सा वाला, इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब कट करते हुए इतना ये सब कट करना है। ठीक है, ध्यान से देखते रहो क्या क्या कट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा। ठीक है, एनर्जी ये सब पूरा का पूरा कहां तक, इस चीज के ऊपर तक करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर तक का सब ये सब कट करना है। क्लियर हो गया सबको, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना, करता ना एवडा कशाला तुम एवडा त्रास घेतो है, खूब सोपा है फिजिक्स, लोग असंस म्हणतात फिजिक्स आड़े, पण आम्ही काय, आम्ही बहुत आड़े, कळला ना सगळ्यांना, खूप सोपा है। चला पुढे बघूया, आता बघा पेज नंबर 65 पे भी कुछ नहीं है, 66 पे भी कुछ नहीं है। ऑलराइट, 67 वी डोंट हैव टू कट एनीथिंग, ऑन पेज नंबर 69 70 ऑल्सो जस्ट यू हैव टू टर्न योर पेजेस, यू आर वेरी स्मार्ट, राइट, दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग माई चैनल। सो पेज नंबर आप लोग आ जाइए एक्सरसाइज पे, 72 दिख रहा है आपको, 72 पेज नंबर, उसके आगे पेज नंबर 73 पे दिखा आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन में पहला वाला ये आपको कट करना है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दूसरा वाला आपको कट करना है, ऑलराइट एमसीक्यू, तीसरा वाला आपको कट करना है, तो खुद से सोचना बेटा, दिमाग लगाना, दो ही एमसीक्यू बच्चा, फोर्थ और फिफ्थ, अगर मैं इसका एमसीक्यू देख के जाता हूँ कि फोर्थ का क्या है फिफ्थ का क्या है, तो बस ना, फिर मेरे को दो ही पढ़ना पड़ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रही है ना, बातें तो बड़ी आसान होती है, बस चीजों को समझना होता है एक बार, ठीक है, और अप्लाई करना रहता है। चलिए आंसर इन ब्रीफ में आ जाते हैं। ठीक है, आंसर इन ब्रीफ में फिफ्थ वाला और सिक्स वाला कटे। ठीक है बच्चा, कौन सा वाला, मेंशन द कंडीशंस अंडर विच रियल गैस ओबेस आइडियल गैस इक्वेशन, ये वाला कौन कौन सी कंडीशन में ओबे करता है, और ये मोनो डायटोमिक गैसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन करते। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक, बोलिए नहीं है, बोलिए नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाते, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स किधर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा है, मैंने ही तो पढ़ा है, भूल गए क्या, ऐसे कैसे, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, सब्सक्राइब देखो ना यहाँ पर, ऐसे देखो जीनियस प्रोफेसर ऐसा लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या पता है क्या, यहाँ पर रेड कलर का बटन है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो आप भी जीनियस बन जाओगे। ओ माय गॉड, सीक्रेट बता दिया आजकल, चलो ठीक है, चलिए आगे चले, करें यस और नो, करेगी नहीं करे, चलिए करते हैं, जीवन में आए हैं तो चलिए कुछ कर ही लेते हैं। ठीक है, ये सब कट कराया तो कट कर ही लेते हैं, चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नीचे 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 नीचे, अभी बहुत सारे बच्चे रहेंगे ना, उन्होंने टेक्स्ट बुक भी नहीं खरीदा रहेगा, या फिर किसी से ले लिया रहेगा, जुगाड़ लगाया रहेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो कुछ कुछ रहेंगे ई बाल भारती है ना अपना, वो साइड उसके ऊपर जा करके देख के पढ़ रहेंगे, सही है एकदम, दिमाग लगाओ एकदम, पढ़ करके आगे निकलो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, पेज नंबर देखो 88 में टर्न करते हुए आ रहा हूँ, बातें करते मैं पेज टर्न करते जा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी कट करना है, मतलब टर्न करना है, सॉरी अभी टर्न करते हुए चलिए। ठीक है, जब कट करने को बोलेंगे तब आप क्या करोगे, तब आप कट कर देना। ठीक है बच्चा, चलो नीचे आ जाओ, पेज नंबर 96 ओपन करो, 96 ओपन करो, पटकन 96 ओपन करा, तुम्ही कुठे बघताय, इकडे तिकडे बघा ना तुम्ही, अभिषेक सर आहे तुमच्यासाठी। 4.8 हीट इंजन्स, ठीक है, ये आपको कट करना है। ऑलराइट, हीट इंजन्स 4.8.1 ये भी आपको टॉपिक कट करना है। ऑलराइट बच्चा, सिलेंडर वाला टॉपिक कट करना है,
हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर्स और वर्किंग सब्सटेंस ये भी कट करना है। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 97 पे। ठीक है बच्चा, पेज नंबर 97 पे देखो आपको क्या क्या कट करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पूरा का पूरा पेज नंबर 97 ही कट करना है। ठीक है बच्चा, पेज नंबर 97 पूरा कट करना है। यू हैव टू कट पेज नंबर 97। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? राइट, ओके। एंड यू हैव टू ऑल्सो कट पेज नंबर 98 भी आपको पूरा का पूरा कट करना है बच्चा। ठीक है, अभी पूरी की पूरी मार्क कर लोगे ना तो टेक्स्ट बुक के अगर पेजेस निकाल दोगे तो आधी बच जाएगी। ठीक है, चलो अब नीचे आ जाओ। पेज नंबर 99 भी पूरा कट करना है। ठीक है बच्चा, फिर पेज नंबर 100 भी पूरा कट करना है। ऑलराइट बच्चा, फिर उसके बाद अरे खुश हो जाओ, खुश हो, ओके। 101 भी आपको कट करना है। ठीक है, सबको समझा? 100 भी पूरा कट कराया। ठीक है, फिर उसके बाद 101 भी पूरा का पूरा कट कराया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पूरा कट कराया। ठीक है बेटा, समझा? 102 भी पूरा का पूरा कट कराया। ऑलराइट, अगर आप गिन करके 103 भी आप कट करो, गिन करके देखोगे तो बहुत सारी चीजें कट हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, 104 भी आपको पूरा का पूरा कट करना है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आ जाइए नीचे, 105 भी आपको पूरा कट करना है। ओके, बोलिए ओके। ठीक है, 106 भी आपको पूरा कट करना है। सबको समझा क्या क्या कट कराया है? 106 कट कराया है। ठीक है, 105 कट कराया पूरा, हाँ पूरा मतलब पूरा। 104 कट कराया, 103 कट कराया, फिर उसके बाद 102 भी, फिर देन 101, फिर उसके बाद कौन सा 100 भी पूरा का पूरा कट कराया, और 99 भी पूरा का पूरा कट कराया, फिर 98 भी पूरा का पूरा कट कराया, 97 भी पूरा का पूरा कट कराया, 96 भी पूरा का पूरा कट कराया। 96 से हम लोग ने स्टार्ट किया, प्रॉब्लम नंबर 4.9 के बाद से हीट इंजन से कट करना चालू किया। समझा? तो लाइक बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कमेंट में बताया करो कैसा लगा, ऐसे चोरी चोरी ऐसे चुपके से ना वीडियो देख के मत चले जाया करो, थोड़ा एप्रिसिएशन मुझे भी चाहिए रहता है। रातों रात देखो मेरा ना सुबह से लेकर के ना शाम तक ना ऑफलाइन क्लासेस ये सब जिमिंग विमिंग भी चलता है, तो यही सब के कारण ना मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं जब भी हो सके तो ना रात को वीडियो शूट करता हूँ, सो दैट थोड़ी सी शांति भी रहे। शांति इन द सेंस कुछ और मत समझो। देखो इधर पे अब 107 पे आ जाओ। कौन सा पेज ओपन किया आपने? मैं 107 की बात कर रहा हूँ, आपने कौन सा ओपन किया बेटा? 107 ओपन किया ना? किया कि नहीं किया? किया ना? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर आपको क्या कट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट चलिए नीचे आ जाइए, एमसीक्यू के अंदर थर्ड वाला एमसीक्यू आपको कट करना है, फोर्थ कट करना है और फिफ्थ एम करना है। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? बोलिए क्लियर है। देखिए आपको ना कोई एक्सरसाइज कट करा के नहीं दे रहा है, समझे कि नहीं समझे? यूट्यूब पे और भी वीडियोस पड़े, उनके भी देख लेना, मैं आपको एक्सरसाइज भी कट करा के देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला भी और फिफ्थ वाला भी, अगर मैं करता हूँ तो सीधी सी बात करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ तो मैं बताऊंगा ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिख भी रहा रहेगा। राइट, आप भी करिए फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, कट किया आपने, फिर नेक्स्ट चलिए नीचे आ जाइए। देखिए पेज नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी? 108 की, 108। उसके ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 6 कट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 7 कट करना है। कौन सा? 108 पे यू हैव टू कट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। दिस इज क्लियर? यस और नो? क्लियर है। आगे चलते हैं, फिर नीचे आ जाइए। अब चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, ऑसिलेशंस। चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस करने का आपने। अब इस ऑसिलेशन में देखते हैं क्या क्या कटे। नीचे आ जाइए, नीचे नीचे ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए क्या क्या कट करने को बोल रहा हूं मैं। पेज टर्न करते रहिए, पेज टर्न करते रहिए। पेज नंबर 116 ओपन करो। ये आपने पेज नंबर 116 ओपन, वेरी गुड। अब देखिए इसमें पेज नंबर 116 पे 5.7 रेफरेंस सर्कल मेथड, ये आपको दिख रहा है, ये आपको कट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 पिछले पेज नंबर 117 पे आ जाइए। 116 पे आपने कट किया कि नहीं कट किया? ये देखिए ना, ये लिखा है ना, ये कौन सा वाला? ये वाला रेफरेंस सर्कल मेथड, ये आपको पूरा का पूरा ऐसे कट करते हुए चलना है। दिख रहा है ना आपको यहाँ तक ऐसे कट करना है? दिस इज क्लियर? राइट, फिर यहाँ पर आ जाइए, 5 degrees 90 minutes, ये आपको कट करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट करना है सर्कल वाला। फिर ये गोला है, गोला, बच्चों ने गोला खाए हो कि नहीं खाए हो? खाए रहोगे ना कभी, मस्त रहता है। कौन सा वाला पसंद है? काला खट्टा। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपको प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये दिख रहा है आपको, ये आपको कट करना है। दिस इज क्लियर? ये आपको डायग्राम भी कट करना है। फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये भी आपको कट करना है। प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी आपको कट करना है। SHM तक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ तक आपको इधर तक कट करना है। दिस क्लियर? क्लियर बोलिए, क्लियर है, क्लियर है सर, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 118 पे आ जाइए। पेज नंबर 118 पे टॉपिक नंबर 5.9 ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, ये आपको कट करना है। ठीक है, अब यहाँ तक जो वीडियो के आधे में छोड़ के चले गए, भगवान उनकी आत्मा को खुश रखे, क्योंकि उनको आधा ही पढ़ने का मैंने, तो हम क्या कर लेंगे, चैप्टर नंबर 5 पे छोड़ के चले गए। आप लोग टिके हुए, टिके हुए तो वेरी गुड। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए ए वाला, ये आपको कट करना है। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ पर कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ्स, ये आपको कट करना है। ठीक है, कौन कौन से कंक्लूजन ग्राफ के निकल के आए हैं। ठीक है, ये यहाँ तक, फिर ये ए ग्राफ कट करना है, बी करना है, सी, तीनों भी कट करना है। ऑलराइट, क्लियर हुआ?
इफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, ये आपको कट करना है. ऑलराइट, दिस इज क्लियर? बोलिए क्लियर है. और हो सके तो वीडियो को शेयर करो ना, किसी को तो एक को तो शेयर करो कम से कम. जिसको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हो ना सुबह सुबह, उसको ही शेयर कर दो. चलो उसको तो कुछ ना कुछ समझेगा. ABC ये तीनों भी कट करो, मजाक कर रहा हूँ. चलिए आगे चलते हैं. फिर पेज नंबर आगे आगे टर्न 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 करते हुए आ जाइए. ठीक है बेटा, इतना मार्क कर लिया. पेज नंबर 1, 2, 3 आगे आ जाओ. नेक्स्ट टर्न करते हुए चलो. 1, 2, 4 पे भी कुछ नहीं है, 1, 2, 5 पे भी कुछ नहीं है, 1, 2, 6 पे देखिए ध्यान से. 1, 2, 6 पे ये आपको दिख रहा है टॉपिक नंबर, देखिए 5.14, ये आपको कट करना है. ठीक है, ये जो दिख रहा है ना स्प्रिंग जैसा, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये आपको डायग्राम कट करना है. दिस इज क्लियर? राइट, इसके नीचे का, इसके टॉपिक के रिगार्डिंग ये जो भी दिख रहा है आपको, देखिए फिगर विगर ये सब आपको कट करते हुए चलना है. ऑलराइट, यानी कि पेज नंबर 1, 2, 7 आपको पूरा कट करना है. दिस इज क्लियर? कट करिए, जीनियस बनिए. पेज नंबर 1, 2, 7 क्लियर किया आपने, कट कर दो. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 1, 2, 8 पे पूरा कट करना है आपको. ओके, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. नाउ वी आर ऑन द एक्सरसाइज पार्ट. सो इन द एक्सरसाइज यू हैव टू कट दिस 5th MCQ. तुम्हाला हे 5th MCQ कट करायचे आहे आत्ताच. विद द हेल्प ऑफ युअर पेन्सिल यू कैन कट दिस. फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बच्चों यहाँ पर देखिए आंसर इन ब्रीफ के अंदर क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th आपको कट करना है. दिस इज क्लियर? फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नीचे नीचे आ जाइए. अब हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 6 पे, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स. ऑलराइट, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या कट करना है. चलिए ध्यान से देखिए, पेज नंबर ओपन करिए 132 पेज नंबर ओपन किया आपने. वेरी गुड. अब इसके अंदर आपको टॉपिक दिखा रहेगा 6.3 रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ये आपको कट करना है बेटा. ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, ये वाला भी आपको टॉपिक कट करना है, इसका एग्जांपल वन. फिर पेज नंबर 133 आपको पूरा कट करना है. ओके, पेज नंबर 134 पे जो जो बता रहा हूँ वो कट करना है. देखो ध्यान से, देखो इसको मिस मत करो, ध्यान से देखो. रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स दिख रहा है 6.3.2, ये टॉपिक खाली आपको कट करना है. सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के ऊपर तक का, ठीक है, ये इतना लिखा आपको, ये कट करना है आपको. दिस इज क्लियर? राइट, बोलिए क्लियर है सर. ठीक है, मैं सुन सकता हूँ आप बोलिए क्लियर. क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं. अभी हम लोग ध्यान से देखिए पेज नंबर 136 पे कुछ भी कट नहीं करना है, 137 पे भी कुछ कट नहीं करना है, फिर नीचे नीचे 138 पे भी नहीं, 139 पे भी नहीं. ठीक है, सपने बड़े बेटा, और तो संघर्ष भी क्या होगा बड़ा, ये समझ के चलिए आगे बढ़ते चलिए. 140 पे भी नहीं कुछ, 141 पे भी नहीं, 142 पे भी नहीं. ठीक है, नेक्स्ट 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 आगे चलते चलिए. नेक्स्ट 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 144 पे भी कुछ कट नहीं है. फिर देखिए ध्यान से 145 पे भी आपको अभिषेक सर ने कुछ भी कट नहीं कराया है. ऑलराइट, मतलब मैंने नहीं कराया, मतलब बोर्ड वालों ने कुछ कट नहीं कराया. ठीक है, इतना समझा कि नहीं समझा बेटा? इतना याद रखना, जब तक हम जागेंगे नहीं ना तब तक हमारे सपने पूरे नहीं होंगे. ठीक है, तो चलिए आगे चलते. 147 पे भी कुछ नहीं है, 148 पे भी नहीं है, 149 पे भी नहीं है, नीचे नीचे चेंज 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 करते हुए चलिए. ठीक है, यहाँ पर आ जाइए डायरेक्ट, देखिए पेज नंबर 153 दिख रहा है आपको. पेज नंबर ओपन करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए. ओपन करिए, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स लिखा, ये टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड 6.10, ये वाला टॉपिक आपको क्या करना है बेटा, कट करना है. ठीक है, लाउडनेस दिख रहा है ना आपको टॉपिक, ये आपको कट करना है. दिस इज क्लियर? समझा सबको कौन सा वाला टॉपिक की बात कर रहा हूँ? ये वाला. ठीक है, 153 पे ये आपको ऐसे से कट करते हुए चलना है, यहाँ पर ऐसे से कट करना है. 11th स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखा है उन्होंने. ठीक है बेटा, इसके बाद पेज नंबर 154 पूरा कट करना है. दिस इज क्लियर? राइट, यस और नो? क्लियर है राइट. अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. देखो एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या कट है मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा देता हूँ. ठीक है, देखिए एक छोटा सा मजाक हो चुका है हमारे साथ, एक्सरसाइज में कुछ भी कट नहीं है. अब आप लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, पेज नंबर 158, वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स ओपन करिए, किया आपने ओपन वेव ऑप्टिक्स. वेरी गुड. अब देखिए वेव ऑप्टिक्स में आपको इंट्रोडक्शन दिख रहा है, आपको इंट्रोडक्शन 158 पे. ठीक है, इसको कट नहीं करना है आपको. क्या कट करना है वो बता रहा हूँ. 7.2 नेचर ऑफ लाइट, ये आपको 7.2.1, ठीक है, ये आपको कट करना है. क्लियर हुआ? राइट, फिर नीचे नीचे आ जाना है. देखिए नीचे नीचे आइए, नीचे आइए, टर्न करते चलिए, पेज टर्न करते चलिए. ओके, आ जाइए पेज नंबर 163 पे आ जाइए. ओपन किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, ये आपको 7.6 टॉपिक कट करना है. दिस इज क्लियर? बोलिए क्लियर है. क्लियर है राइट, यस और नो? क्लियर है राइट. आगे चलते हैं. फिर पेज नंबर 164 आपको, पेज नंबर 164 बेटा पूरा कट करना है. पेज नंबर 164 जो आपको दिख रहा है वो आपको पूरा का पूरा कट करना है. दिस इज क्लियर? पोलराइजेशन वाला टॉपिक भी आपका कट है.
ऑलराइट। फिर उसके बाद देखिए इसी पेज पे 165 पोलराइजेशन वाला टॉपिक के आगे कंटिन्यू हुआ है, 165 आपको कट करना है। क्लियर हो गया, ये अच्छा था क्वेश्चन पर ये इजी हो गया अभी कट हो गया तो चलो आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए 166 आपको पूरा कट करना है, सुनते हुए चलिए। मैंने कहा है 166 पेज नंबर पूरा कटे मतलब पूरा कटे, उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 167 ये भी आपको पूरा कट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ध्यान से देखिए पेज नंबर 168 पे, ध्यान से सुनिए पेज नंबर 168 पे कैन यू टेल के ऊपर तक का आपको कट करना है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है बोलिए क्लियर है। इंटरफेरेंसेस टॉपिक आपको पढ़ना है, 7.8 आपको पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प जरूर कर रहे हैं, अगर आपकी हेल्प कोई कर रहा है तो आप भी उसकी हेल्प करिए। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, चैनल का रीच नहीं हो पाता है मेरे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा शेयर करिए बस, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा एक दो लोग को शेयर करो बस, हो जाएगा अपना काम, ठीक है। आगे चलते, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर बेटा एक को तो शेयर करना ही करना, ठीक है। चलिए आगे चलते, अब कुछ अच्छे लोग रहेंगे एकदम देव मानुष तो सीधा व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते पेज नंबर 178 तक कुछ भी नहीं है, टर्न करते हुए चलिए, टर्न करना है आपको पेज नंबर 180 पे आ जाओ। पेज नंबर 180 ओपन किया आपने, क्या बेटा रिजॉल्विंग पावर, ये आपको कट करना है 7.10, ओके। अगर आपको बायो के लिए भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी मैं आपको बायो के लिए भी करके दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 7.10.1 ये भी आपको कट करना है, कौन से पेज नंबर की बात कर रहा हूँ, 180 पे, ठीक है 180 पे। ऑलराइट, बारिश बहुत तेज हो रही है आज, आपके यहाँ हो रही है क्या, हो रही है राइट। चलिए आगे चलते हैं 181 पे, 181 पूरा कट करो, ठीक है। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है हिप्नोटाइज करने वाला नहीं आता था क्या, अरे हिप्नोटाइज नहीं करते थे क्या, इसी से तो करते थे ऐसे गोल गोल घुमा घुमाते, वो लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान से, ज्यादा जोर से मत देखिए नहीं तो हिप्नोटाइज हो जाएंगे। चलिए आगे चलते बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं अभी हम लोग, नीचे की तरफ चलते हैं। 181 अपना क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 182 आपको पूरा कट करना है, ठीक है बच्चा। पेज नंबर 182 आपको क्या करना है, पूरा कट करना है, किया आपने कट, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मैं भी कट कट बोल बोल के थक गया, ऐसा लग रहा है कैमरा मैन हूँ। 183 पे इधर देखो, ये पूरा का पूरा कट है 183 भी, ऑलराइट दिस इज क्लियर। अब आ गए हम लोग 184 पे, एक्सरसाइज पे, एमसीक्यू में फर्स्ट वाला आपको कट करना है, फिर देन आपको थर्ड वाला कट करना है, ओके दिस इज क्लियर। फर्स्ट और थर्ड हो गया, आंसर इन ब्रीफ के अंदर देखो आपको क्या क्या कट करना है, मैं बताता हूँ। देखो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आपको कट करना है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, और ये ट्वेल्थ वाला कट किया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ट्वेल्थ, ओके ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, देखो ध्यान से। फिर उसके बाद 17 क्वेश्चन नंबर आपको कट करना है, कौन से पेज नंबर की बात कर रहा हूँ, 185 पे, 185 पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको कट करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको कट करना है, दिस इज क्लियर बोलिए क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है। स्टैटिक्स पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, इसमें मैं जो जो मार्क करा रहा हूँ वो मार्क करते हुए चलो, चलो फटाफट से टर्न करते हुए चलो, पेज टर्न करते हुए चलो। क्या सुनना है, शायरी सुनना है, शायरी सुनना पसंद करोगे बताओ, सुनोगे सुनोगे कि नहीं सुनोगे बताओ, ध्यान से सुनो, नहीं शायरी बाद में सुनेंगे, लास्ट में सुनेंगे। चलो 192 पे भी कुछ नहीं, 193 पे भी कुछ नहीं, 194 पे आ जाओ, चलो 194 पे, ठीक है 194 पे टॉपिक नंबर 8.5 आपको कट करना है, कौन सा टॉपिक बेटा, टॉपिक नंबर 8.5 ये आपको कट करना है 194 पे। एंड देन 196 आपको पूरा का पूरा पेज कट करना है, सॉरी 195 आपको पूरा का पूरा पेज कट करना है, ठीक है। और 196 पे ये प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, ये कट करना है, देखो ध्यान से देखो, आराम से दिखाता हूँ, देखो ये वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ये देखो यहाँ पर ये 8.9 195 पे, दिस इज क्लियर बोलिए क्लियर है, ठीक है। नीचे नीचे चलते हैं, चलो 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 नीचे चलो, पेज टर्न करो, पेज टर्न करते हो चलो 199 पे आओ, 199 ठीक है, मेरा तो लकी नंबर है 99। इधर देखो यहाँ पर 8.7 ये आपको कट करना है, ठीक है 8.7 टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज क्लियर राइट। अब आ जाइए 200 पेज नंबर पे, 200 पेज नंबर पे यहाँ तक आपको कट करना है, नॉन जीरो वैल्यूज अनलाइक कंडक्टर्स, ये देखो ये येलो वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये सब फैराडे चार्ज, केजेस लिखा है कुछ भी पढ़ रहा हूँ मैं भी, बी वाला भी आपको कट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी पेज नंबर 200 हो गया, क्लियर है बोलो क्लियर है। ऐसे देखो पहले ना जो जो कटे पहले उसको देख लो, सो देट आपको ना पता तो चले आपको कितना पढ़ना है, पता चले पढ़ने चले गए एग्जाम देने चले गए टॉपिक पढ़ के गए, फिर बाद में बोले सर हम फेल हो गए, घर वाले पूछे क्यों फेल हो गए तो बोलोगे कि सर हम लोग जो डिलीटेड था वही पढ़ के गए थे। नेक्स्ट चले, देखो नीचे नीचे चलते हुए चलो, देखो पेज नंबर 208 पे ध्यान से देखना, अब आपको एक शायरी सुनाई देते,
ठीक है, ध्यान से सुनिए, बोलिए इर्शाद, इर्शाद, बोलिए इर्शाद, ध्यान से सुनिएगा। दिल टूट गया है, दिल टूट गया है, अब बवाल क्यों करें। दिल टूट गया है, अब बवाल क्यों करें, जब खुद ही पसंद किया था तो सवाल क्यों करें। क्या बात है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज नंबर 208 पे, ध्यान से देखिए पेज नंबर 208 पे, ठीक है। ये आपको कट करना है डिस्प्लेसमेंट करंट 8.11, ये आपको कट करना है, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज क्लियर सर्किट तक, ठीक है। फिर पेज नंबर 209 पे ध्यान से देखिए, ये प्रॉब्लम 8.17 कट करना है आपको, ठीक है। फिर प्रॉब्लम नंबर 8.18 आपको कट करना है, और ये तो इसी का कंटिन्यूटी वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपको कट करना है। दिस इज क्लियर, बोलिए क्लियर है, बोलिए जोर से क्लियर है, क्लियर है। मार्क करो ना आराम आराम से। देखो ना इधर पे ऐसे एक बटन रहता है पोस्ट का, ऐसा उसको पोस्ट दबाने का, देखने का मैंने कहां तक बोला है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे मैं भी बोल बोल के कराऊं, हाँ हेलो बच्चो ये कट करना, ऐसे नहीं ना, अपना स्टाइल ऐसा थोड़ी ना बेटा, ठीक है, आपको तो पता ही है। पेज नंबर 210 पे देखिए ध्यान से, वैंडी ये क्या है, ये जो भी है, ठीक है, ये जनरेटर वनरेटर ये कट कर दो, ठीक है। गाँव में हमारे जनरेटर लगता है जब किसी का शादी पड़ता है तो। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से पेज नंबर, देखिए ध्यान से 211 पूरा काट दो, ठीक है, काटने में उस्ताद रहोगे तो पूरा का पूरा काट दो। चलो आवाज आ रहा रहेगा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज, इग्नोर करना, ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग, ठीक है। 212 पे देखो ध्यान से, 212 सुना था, 212 कहाँ से आ गया। चलो देखो आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ पे आपको फोर्थ वाला, यू हैव टू कट दिस फोर्थ क्वेश्चन, जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन गाइस, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट डिमांडिंग था तो इसके लिए कट कर दिया। इनसाइड द कार क्या होता है वही पूछा है, चलो जान दो उस पे ध्यान मत दो। अब देखो 214 पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर छुओगे तो करंट लगेगा, क्यों, क्योंकि ये तो रजिस्टर है, यहाँ थोड़ी ना लगेगा, कहाँ लगेगा फिर करंट, थोड़ा पढ़ते उड़ते हो कि नहीं फिजिक्स, डरा मत करा करो। अरे वाह ये क्वेश्चन अच्छा आ गया, ये क्वेश्चन पूछता है, क्लासेस का टेस्ट होगा ना तो आपके क्लासेस के टेस्ट में देखो ये पक्का पूछेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखोगे बताओ, ऐसे लिखो अभिषेक सर स्पेशल, ठीक है, क्या लिखोगे, अभिषेक सर स्पेशल, अभिषेक सर ने बोला है ये क्वेश्चन पूछेगा तो सर क्या करेगा, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, कुछ लोगों को पूछा भी रहेगा क्लासेस में, ठीक है। देखो ध्यान से नेक्स्ट चलते हैं, चलो बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो पेज नंबर 215 पे आ जाओ, नेक्स्ट 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 करते हुए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, टर्न करते रहो, टर्न करते रहो, पेजेस टर्न करते रहो, जहां पे बोलूंगा ना पेज नंबर वो ध्यान से सुनने का, ठीक है, बस और कुछ बात नहीं है, बाकी सब इजी है हमारे लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है, जीनियस, जीनियस, बी अ जीनियस गाइस, ऑलराइट। चलो पेज नंबर नीचे 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 आ जाओ, ठीक है, एक्सरसाइज में आ जाओ डायरेक्ट, एक्सरसाइज कौन से पेज नंबर पे बताता हूँ सुनो, एक्सरसाइज में भी कुछ कट नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मेरे को भी जाने का है, ठीक है, अभी बार। चलो ध्यान से देखो पेज नंबर नेक्स्ट 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 232 पे, 232 पे ध्यान से देखो, 232 पे ये दिख रहा है 10.3, ये आपको कट करना है, ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, पेज नंबर 233 कौन सा पेज बोला अभिषेक सर ने, 233 पूरा कट करना है, ठीक है। ये तो कैसा लग रहा है, ये भी वही है हिप्नोटाइज करने वाला। आगे चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट 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 234 पे, 234 पे यहाँ तक कट करना है आपको, देख लो ध्यान से हिलिक्स तक, ठीक है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, 35 मिनट हो चुका है, मेरे को फटाफट वीडियो भी खत्म करना है, और भी काम है बेटा, चलो क्योंकि यूट्यूब से अपनी अर्निंग चालू नहीं है, और बस आपके लिए थोड़ा बहुत कर देता हूँ मेहनत, और कुछ बात नहीं है। आप लोग थोड़ा बहुत बोलते हो ना सर वीडियो बना दो, ये कर दो वो कर दो, बस फिर इसीलिए बना देता हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई फायदा वायदा है नहीं, फायदा वायदा देखता नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पेज नंबर नीचे 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 आ जाओ, ठीक है, ओके 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 ओके, डन 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 डन। अब पहले बता देता हूँ, इस वीडियो पे अगर 100 व्यूज आएगा ना तो ही बायोलॉजी वाला वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बना के रख दूंगा पर डालूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट 100 व्यू तो चाहिए ही चाहिए, पहले 1000 आता था, पिछले बैच के बच्चे थे ना वो 1000 तक क्रॉस कराते थे। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 449 पे आओ, 249 पे फोर्थ क्वेश्चन कट करो, फिफ्थ क्वेश्चन कट करो, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके चलो बच्चों आगे चलते, ठीक है, ठीक है। तो अब इतना आवाज आ रहा रहेगा, घर पे खाना बन रहा है, एडजस्ट कर लेना, आपके भी बनता रहेगा, क्या बना है आज खाने में, आऊं खाने के लिए कि आप लोग आओगे, 250 पे आ जाओ। चलो 250 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 13 कट करिए, ओके किया आपने, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 17 कट करो, ओके मैं बताता हूँ वापस से, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 13 आपको कट करना है और 17 कट करना है पेज नंबर 250 पे, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा कम देखिए और पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स,
चैप्टर नंबर 11 पे आ चुके हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स अपने को करना है। ऑलराइट, चलो देखो अब इसके अंदर 251 पेज नंबर पे है ये, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा टॉपिक कट करने को बोल रहा हूँ, ये वाला 11.2 वाला, ठीक है। इसको कट तो करो एक बार, ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कितना करना है आपको। फिर उसके बाद देखो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पेज नंबर 252 पूरा कट कराया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलिए पेज नंबर 253 पे ध्यान से देखिए, 253 पे आपको क्या क्या कट करने को बोल रहा हूँ, ये इतना लिखा है ना, ये इतना कट करो, ऐसे करके गोला बनाओ, इसको ऐसा कट करो, ठीक है। फिर ये वाला, ऑलराइट, क्लियर हो गया, बोलो क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, यस और नो, बोलिए 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 जी सर, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे तो बढ़ना लाइफ में, पीछे थोड़ी ना जाना है। चलो इधर देखो पेज नंबर ध्यान से सुनो, 257 पे डायमैग्नेटिज्म दिख रहा है, ये टॉपिक आपको कट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक वाला प्रॉपर्टी देखो, सारा का सारा सॉलिड स्टेट में भी कट करा है, उसी रिगार्डिंग देखो 11.5 ये वाला टॉपिक उसी के अंदर है। हाँ, 257 पेज नंबर पे ये आपको कट करना है। ओके, क्लियर हो गया, पेज आपने अच्छे से देख लिया, ध्यान से देखो वीडियो को धीरे धीरे चला करके 0.75 की स्पीड पे देखा करो, स्लो करके देखा करो, ओके। फिर उसके बाद ये वाला, दोनों का दोनों, ठीक है, ऐसे करके ये और ये दोनों कट करना है, ठीक है। फिर देखो पेज नंबर 258 पे ये आपको कट करना है, दिस इज क्लियर, ये देखिए ये ऐसे करके, ठीक है। चलो ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे करके कट करना है आपको, पैरामैग्नेटिज्म भी कट करना है, ये सब आपको कट करना है, ठीक है। बोलो ठीक है, ठीक है, बोलिए ठीक है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। 259 पूरा का पूरा पेज कट करना है, ऑलराइट। 260 पे देखिए आपको सब कुछ कट करना है, सिर्फ और सिर्फ इस न्यूमेरिकल को छोड़ के, इस न्यूमेरिकल को छोड़ के आपको सब कुछ कट करना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको कट करना है, इसके अंदर पेज नंबर 261 है, ठीक है। 261 पूरा का पूरा आपको कट करना है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फास्ट हो गया, सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एग्जांपल नंबर 11.3 को छोड़ के बाकी सब आपको यहाँ पर कट करना है, ठीक है, 260 पे। फिर उसके बाद 261 आपको पूरा का पूरा कट करना है, दिस इज क्लियर, बोलिए क्लियर है। फिर उसके बाद 262 आपको पूरा का पूरा कट करना है, दिस इज क्लियर, क्लियर है बेटा, बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है ना। देख लिया, मैग्नेटिक शील्डिंग दिख रहा है आपको, ये डायग्राम भी कट करना है, ठीक है, शील्डिंग के रिगार्डिंग डायग्राम है। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर आपको सेकंड कट करना है, थर्ड कट करना है, फोर्थ कट करना है, दिस इज क्लियर, राइट। तो आप लोग फिफ्थ पे आपको कट करना है, तो देखिए ध्यान से सुनिए, एक ही है तो इसको कम से कम 5-6 बार देख के जाओ ना, एग्जाम में आएगा तो टिक मार देना बरोबर से। आंसर इन ब्रीफ में देखो, पहला कटे, दूसरा कटे, तीसरा कटे, चौथा कटे, बचा क्या, पांचवा बचा, छठा भी कटे, सातवा भी कटे, ठीक है, क्लियर हुआ, बोलो क्लियर है। फिर देखो पेज नंबर 264 ओपन करो, ओपन करो, ये पेज नंबर 264 ओपन, उसमें देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको कट करना है, कौन सा क्वेश्चन कट करना है, फिफ्थ वाला, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एट्थ वाला न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कट करना है, ठीक है। टेंथ वाला आपको कट करना है, इलेवंथ वाला कट करना है, नाइन्थ वाला भी कट करना है, ठीक है, 9, 10 और 11, ये क्लियर है, आपने कट कर दिया, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। चलो बच्चों अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बस थोड़ा सा बाकी है, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिए चैप्टर नंबर 12 में क्या क्या मार्क करा रहा हूँ। 265 पे भी कुछ नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, नीचे नीचे टर्न करते हुए चलो, जिस जो पेज नंबर मैंने बोला उस वो डायरेक्ट ओपन करने का, ठीक है। देखो 270 पे आपको ये कट करना है 12.6, ऑलराइट, क्लियर, आपने कट किया, वेरी गुड। फिर देखिए ध्यान से पेज नंबर 271 आपको पूरा कट करना है, पेज नंबर 271 आपको पूरा कट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 278 के ऊपर यहाँ तक टाइम पीरियड तक आपको कट करना है, ठीक है, टाइम का सदुपयोग करिए, यहाँ तक आप कट करिए, ओके। फिर उसके बाद आपको 273 के ऊपर ध्यान से देखिए 273 पेज नंबर पूरा का पूरा आपको कट करना है, ऑलराइट बेटा। फिर उसके बाद 274 भी आपको पूरा का पूरा कट करना है, ठीक है, ऑलराइट। बारिश बहुत हो रही है जोर जोर से, देखिए ध्यान से फुल स्पीड, यहाँ तक फुल स्पीड में आपको मैं भी कराऊंगा अभी, 12.3 के ऊपर तक आपको कट करना है, ठीक है, ध्यान से देखिए, पेज नंबर 275 की बात कर रहे हैं हम लोग, 275 पे यहाँ तक ऊपर तक आपको कट करना है, दिस इज क्लियर। आगे चले बच्चा, आगे चलते देखो ध्यान से, नीचे नीचे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा से 3-4 चैप्टर और बाकी है, देखो नीचे नीचे आ जाओ, ठीक है। पेज नंबर ध्यान से देखिए, पेज नंबर 281 पे ये आपको कट करना है, ऑलराइट, क्लियर है, ठीक है, ये आपको रहने देना है, कौन सा वाला, 12.8, इसके ऊपर तक यहाँ तक आपको कट करना है, दिस इज क्लियर, ओके बच्चा। फिर उसके बाद आ जाइए नीचे नीचे, ठीक है, नीचे नीचे टर्न करिए, मतलब पीछे पीछे टर्न करते चाहिए। एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज में देखो आपको कुछ भी कट नहीं करना है, ठीक है, आ जाओ चैप्टर नंबर इस पे आ जाओ, एसी सर्किट दिख रहा है आपको, चलिए एक शायरी सुना देता हूँ, बर्बाद कर देती है
मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। चलिए फोकस करिए स्टडी पे। चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी मैं अभी पता है कि आपको आपसे क्या छुपाऊंगा, अभी अब यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको बता ही देता हूँ, पंखा बंद करके वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आ जाता है ना बेटा, बहुत मेहनत चल रही है अभी गर्मी में, पूरा एकदम लखपत हो चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पेज नंबर 288 पे, यू हैव टू कट दिस टॉपिक एसी जनरेटर, ठीक है। एसी जनरेटर, ओके, एसी जनरेटर आपको कट करना है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आपको कट करते हुए चलना है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यहाँ तक आपको कट करना है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है, बोलिए क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चा, नेक्स्ट 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 आ जाते नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। चलो चलो पेज टर्न करते हुए चलो, ठीक है, ठीक है। यहां से देखो पेज नंबर, पेज नंबर देखिए ध्यान से देखिए, पेज नंबर 297 ओपन करो, पावर इन एसी सर्किट्स, ये आपको कट करना है, ठीक है बच्चा। पावर इन एसी सर्किट्स 297 पूरा का पूरा कट करना है, ओके बेटा। फिर उसके बाद 298 पूरा का पूरा कट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते अभी, ठीक है। नेक्स्ट 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 आ जाओ पेज नंबर, देखो ध्यान से पेज नंबर 302 पे, 302 पे आपको 13.9 दिख रहा है रेजोनेंस, ठीक है। ये आपको कट करना है, रेजोनेंस एक क्लासेस का भी नाम है, बहुत बड़ा क्लास है, 2.5 लाख फीस लेते हो लोग, ठीक है, और उनसे अच्छा तो मैं पढ़ा दूं। चलो आगे आ जाओ 303 पे, 303 पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर शार्पनेस वाला, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये पूरा कट करना है, 3.110 भी आपको कट करना है, ठीक है, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। ऑलराइट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज देखो पेज नंबर 304 पे, कौन से पे बच्चा, 304 पे आंसरिंग ब्रीफ में फोर्थ वाला कट करना है, दिख रहा है, फोर्थ वाला आपको कट करना है, ये थर्ड आपको कट करना है, फोर्थ आपको कट करना है, फिफ्थ कट करना है, सिक्स्थ भी कट करना है, दिस इज क्लियर। देखिए ध्यान से, एक स्क्रीनशॉट भी ले लो चाहिए तो इसका, लाइन से देखो क्या क्या कटे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ओके आगे चले, ठीक है आगे चले। देखो ध्यान से पेज नंबर 305 पे, 305 पे क्वेश्चन नंबर 13 कट करना है, 19 कट करना है, कौन कौन सा, 13 और 19 आपको क्या करना है बेटा, कट करना है, दिस इज क्लियर, बोलिए क्लियर है, ओके। अब पेज नंबर देखो ध्यान से 306 पे, 306, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, देखो ड्यूअल नेचर लोगों का ना बहुत ही हानिकारक होता है, ऐसे लोगों को मैं दोगला कहता हूँ, ठीक है, इधर की भी बात उधर उधर की बात ऐसे करते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए ध्यान से ड्यूअल नेचर चैप्टर के अंदर आपको ध्यान से देखिए कुछ भी कट नहीं करना है, ठीक है, ओके। नहीं 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 कट करना है, कट करना है, कट करना है। 314 पे आ जाओ, 314 पे बेटा, 314 पे देखो ध्यान से, ये आपको कट करना है, दिख रहा है ये टेबल, ये पूरा का पूरा, ये ठीक है, ठीक है, कट किया आपने पूरा का पूरा टेबल, राइट। नीचे चलते अभी हम लोग, ठीक है, जिसमें थोड़ा लैपटॉप भी हैंग होता है कोई बात नहीं, ठीक है, नया ले लेंगे अगर यूट्यूब से कुछ अर्निंग हो तो बात अलग है। 316 पे देखो, 316 पे ये फोटो सेल, ये वाला आपको टॉपिक कट करना है, ठीक है बेटा, फोटो सेल वाला टॉपिक आपको कट करना है, यहाँ तक कट करना है, ऑलराइट, ये फोटो सेल यहाँ तक कट करना है, दिस इज क्लियर, राइट। नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग, नीचे नीचे आ जाते हैं, ठीक है बेटा, नीचे देखो यहाँ पर 318 पे, 318 पे देखो आपको मैं क्या बता रहा हूँ वो देखो ध्यान से, बस ये देखो, ये 14.6 टॉपिक दिख रहा है आपको, ये वाला आपको कट करना है, दिस इज क्लियर, ये टॉपिक आपको कट करते हुए चलना है, ये डायग्राम भी आपको कट करना है, स्केल स्केल पता नहीं कौन सा डायग्राम है, ये आपको कट कर देना है, यहाँ तक कट कर देना है, ठीक है। 319 के रिलेशन तक आपको कट करना है, दिस इज क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, 40-45 मिनट हो चुके हैं। अब देखो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर अपना चल रहा है वही वाला 322, ठीक है बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कट करना है, दिस इज क्लियर, यू हैव टू कट दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस सिक्स्थ वन क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आंसरिंग ब्रीफ के अंदर सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा, क्लियर है, पेज नंबर 322 था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी हम लोग, देखो ध्यान से थोड़ा सा बाकी है, ठीक है, लास्ट चैप्टर है बस, चैप्टर नंबर 15 पे आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से क्या कटे, पेज नंबर 324 पे 15.3 ये कट करना है आपको, ऑलराइट, क्लियर है। फिर उसके बाद यहां तक कट करते चलना है, देखो ध्यान से 180 डिग्री तक आपको कट करना है, दिस इज क्लियर, मार्क कर लेना, ठीक है, जहां पे मैंने कहा है। फिर उसके बाद नीचे 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 आ जाते हैं हम लोग आराम से, ठीक है, घाई नहीं कोई बात नहीं, ओके, नीचे नीचे चलते जाइए। 329 पे भी कुछ नहीं, ठीक है, 330 पे, 330 पे देखिए एटॉमिक न्यूक्लियस, 330 पे एटॉमिक न्यूक्लियस ये आपको कट करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से 331 पे, 331 पे आ जाओ, पास 331 पूरा का पूरा आपको पेज ही कट करना है, किया आपने कट, ओके बेटा। फिर उसके बाद 332 आपको पूरा का पूरा पेज कट करना है, ऑलराइट। फिर उसके बाद आपको बच्चा 333 भी पूरा का पूरा पेज कट करना है,
ठीक है। फिर उसके बाद 334 भी कट करना है, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना। फिर इसके बाद देखिए ध्यान से 335 भी आपको कट करना है, किया आपने कट। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर आ जाओ, ध्यान से देखो पेज नंबर 336 पे यहाँ तक आपको कट करना है, 206 दिखा ना पीबी तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा ही बाकी है, जस्ट देखो। फिर उसके बाद 338 पे, पेज नंबर 338 पे न्यूक्लियर एनर्जी आपको कट करना है, ठीक है। बस 5 मिनट और रुक जाओ, हो जाएगा बस, ठीक है। फिर उसके बाद 339 पे पूरा का पूरा आपको कट करना है, ऑल राइट। फिर उसके बाद 340 पे आपको पूरा का पूरा कट करना है। फिर 341 पे 19.1945 लिखा है ना, ये आपको कट करना है, मतलब ये एग्जाम्पल नंबर 15.13 ये पूरा का पूरा आपको कट करना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ठीक है। यहाँ तक आपने मार्क कर लिया, ठीक है बेटा, यहाँ तक, ठीक है बेटा, यहाँ तक मार्क हो गया। चलिए आगे चलते फिर, ठीक है। थोड़ा सा ही बाकी है, देखिए अब ध्यान से एक्सरसाइज वाले पार्ट पे चलते हैं। 342 पेज नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 342 पे देखिए आंसर इन ब्रीफ के अंदर थर्ड वाला क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ के अंदर थर्ड क्वेश्चन कट करना है आपको, ठीक है। फिर 7 क्वेश्चन कट करना है, 8 क्वेश्चन कट करना है, 9 और 10, ठीक है, 7, 8, 9, 10, ऑलराइट, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद 12 और 13 भी आपको कट करना है, दिस इज क्लियर। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से पेज नंबर 343 पे आपको 15 क्वेश्चन कट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 23 क्वेश्चन कट करना है, 24 नंबर क्वेश्चन भी आपको कट करना है, दिस इज क्लियर। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये आपका लास्ट चैप्टर है, आई होप सो, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए आपको क्या क्या कट करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, जैसे एक बार मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 347 ओपन करो, पेज नंबर 347 दिखा आपने, 16.3.1 ये आपको जिन्नर डायोड है ना, ये आपको कट करना है, दिस इज क्लियर, ओके, कट किया आपने। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से पेज नंबर 348 ओपन करिए आप सबके सब, पहले आपने ओपन कर लिया, देखिए 348 पेज नंबर पे आपको सब कुछ कट करना है, ठीक है। जीनर डायोड जो भी है इसके रिगार्डिंग, ये सब आपको कट करना है, दिस इज क्लियर। अब 349 पे आ जाते हैं बच्चों, 349 पे भी आपको सब कुछ कट करना है, ऑलराइट, ये पूरा का पूरा कट है 348 और 349, ठीक है। फिर उसके बाद 350 पे देखिए प्रॉब्लम नंबर 16.2 आपको कट करना है, ओके, बस 5 मिनट और लगेगा, रुकिए बस। फिर एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऑफ जीनो डायोड आपको कट करना है, दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं हम लोग, देखो ध्यान से देखो, फिर डायरेक्टली आपको आ जाना है, देखिए टर्न करते हुए चलिए, पेज पे पेजेस टर्न करते हुए चलिए, पेज नंबर देखिए ध्यान से, पेज नंबर 363 पे एक्सरसाइज में आ जाइए, सेकंड वाला कट करिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकंड वाला कट करिए, हाउ इज जीनर डायोड डिफरेंट देन अ ऑर्डिनरी डायोड, से कैसे डिफरेंट रहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कट करो, 7 कट करो, दिस इज क्लियर। और इसी तरीके से आपका मैंने सारा का सारा कट करा करके दे दिया है। सो बच्चों ये वीडियो यहीं तक थी, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया रहेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद जीनियस प्रोफेसर। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।